हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो? गुड मॉर्निंग सभी को, मॉर्निंग की राधे राधे। और मॉर्निंग का टाइम है, मेरा सारा काम हो चुका है। सारा काम वैसे पूरा नहीं हुआ है, झाड़ू पोछा और नहाना धोना और भगवान जी की पूजा, ये सब मैंने करके, और मैं छत पे मौसम देखने आई थी और अपनी तुलसी मैया को देखने आई थी। क्या दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से, हमारी तुलसी मैया सारी झड़ाने की वजह से इतनी बारिश हो रही है। आप लोग देखो, यहाँ पे रखे हैं शंकर जी और इसी में लगा है एलोवेरा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यही देखने आए थे कैसा मौसम है और हमारे तुलसी के पेड़ पौधे कैसे होके रखे हैं। तो बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि खेत ऐसे भरे हैं, बूंदे फिर स्टार्ट होने लगता है, होने लगी फिर से बूंदे हल्की फुल्की होने लगी। और खेत ऐसे फ्रेंड्स भरे हैं, मतलब दिखाई दे रहे हैं जैसे तालाब वगैरह हो, ऐसे पूरा भर चुका है और होने लगी हैं बूंदे। अब हम चलते हैं नीचे, तो बिल्कुल बारिश बंद होने का नाम नहीं है। कल हमारे यहाँ पे मार्केट लगती है सब्जी वाली और इतनी भीषण मतलब बारिश थी कल, बिल्कुल बंद नहीं हुई सुबह से पूरी रात पूरी सुबह, बिल्कुल बंद होने का नाम नहीं है बारिश का। तो फिर से स्टार्ट हो गई है, देखो आप लोग। हैप्पी ड्रेस लेके जाओ, पूरी भीग जाएगी। और हैप्पी पहने थी ड्रेस और मौसम देख के उन्होंने यहीं छत पे उतार दी है। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं नीचे और क्या बनाएंगे शेयर करेंगे आपके साथ। और हमारी कल सब्जी नहीं आई थी, जो हमारी सब्जी रखी हुई है उसी से देखेंगे क्या बनता है क्या नहीं, तो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलो चलते हैं नीचे, होने लगी है बारिश। चलो हैप्पी नीचे आओ। इसके बाद फ्रेंड्स ये मैं मॉर्निंग की इस मतलब मॉर्निंग में बन रही है एक साइड चाय और दूसरी साइड इसमें लहिया को इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मतलब बारिश का मौसम है, कुछ समझ नहीं आता डेली डेली क्या बनाए। और पकौड़े मंगौड़ी बहुत बार खा चुके हैं, पकौड़े भी खा चुके हैं मंगौड़े भी खा चुके, तो सोचा चलो आज यही ट्राई करते हैं। तो मतलब रोज़ रोज़ खाने में अच्छा भी नहीं लगता, थोड़ा सा हट के डेली बनाना चाहिए कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पर चाय भी हमारी बन चुकी है मॉर्निंग की। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता वगैरह हो गया था, तो यहाँ पे लाइट तो आ नहीं रहे, लाइट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो देखो आती है कि नहीं आती है कुछ पता नहीं है। बारिश में हमारे यहाँ पे लाइट की भी मतलब काफ़ी दिक्कत हो जाती है, बारिश में लाइट आने की आशाएँ कम होती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कट कर रही थी एप्पल को और हैप्पी को मैं कट करके दूँगी और हैप्पी के पापा को दूँगी और मैं भी बैठ के खाऊँगी। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं एप्पल और इसको हम ना काले नमक से मतलब खाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे मैं सेव वगैरह बहुत ही कम खाती हूँ, पता नहीं मुझे ऐसी वैसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, जैसे सेव हुए संतरे हुए मैं कम, मुझे पसंद नहीं है खाने में, पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। लेकिन इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कट कर लिए हैं एप्पल और अब मैं लेके जाती हूँ और खाऊंगी, लेकिन आपको दिखाऊंगी नहीं वरना आपका भी मन होने लगेगा खाने का, तो दिखाऊंगी नहीं, खा के मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया था इवनिंग का टाइम और अब मुझे बनानी है डिनर की तैयारी करनी है। और मॉर्निंग में मैंने क्या बनाया था मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मैंने दाल बनाई थी, थोड़ी सी मेरे पास ककोरा रखे हुए थे क्योंकि बाज़ार सब्जी तो आई नहीं है तो बड़ी दिक्कत हो रही है। और मतलब यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर लिए थे, ज़्यादा नहीं किए थे, दो से तीन आलू थे तो बस इतने ही में काम हो जाता है और फिर बेकार, मतलब ज़्यादा दिन अगर रखे रहो तो कोई खाता भी नहीं है। जैसे कि मतलब ज़्यादा सब्जी बना लो अगर सोचो नेक्स्ट डे कोई खा ले तो कोई नहीं खाने वाला है, तो फिर बेकार जाता है। और यहाँ पे जानवर जैसे गाय वगैरह भी नहीं मतलब हैं, तो ऐसे बर्बाद करना भी अच्छा नहीं होता है। तो मैं उतना ही बनाती हूँ जितना हमारा खाना मतलब उसी टाइम ख़त्म हो जाए और बेस्ट मत जाए। बेस्ट खाने मतलब बेस्ट खाना मेरा कभी नहीं, बर्बाद खाना कभी मैं करती नहीं हूँ, मैं कोशिश यही करती हूँ मेरा खाना उतना ही मैं बनाऊँ जितना हमारा बन मतलब खप जाए। तो हमने आलू टमाटर की सूखी सब्जी बना ली। सो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो का एंड यहीं पर मैं कर देती हूँ और हमारा डिनर है वो बन चुका है, मैंने आपके साथ शेयर किया है, सूखी सब्जी बनाई थी। और जो लंच मैंने मॉर्निंग बनाया था वो आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो मैंने मॉर्निंग में दाल बनाई थी और वो ककोरा वाली सब्जी, वो मैंने बहुत बार दिखाई इसलिए मैंने आज उसका वीडियो आपको शेयर नहीं किया है। तो फ्रेंड्स दाल हमारी रखी हुई थी सुबह की, मतलब वही मैंने गर्म कर दी है और सब्जी दोबारा से मतलब सब्जी तो बनाई थी सूखी वाली सब्जी, क्योंकि
सब्जी तो अच्छी लगती है, दाल चावल रोटी के साथ, मतलब पूरा खाना हो तभी अच्छा लगता है खाने में। तो अब हम लोग करेंगे डिनर। सो फ्रेंड्स, वीडियो किसी भी रीजन से थोड़ा सा भी अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल पे न्यू आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपने ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।